mathematics. I hope you have followed my yesterday's instruction. If not, then make habit of watching our videos with pen, note and textbook within your reach. Today, I will give you some idea of how to show or how to represent irrational numbers on number line. We already know that on number line, we have this type of habit. Your middle you will put 0. This side you will go for 1, 2, 3, 4, etc. This side you will go for minus 1, minus 2, minus 3, etc. If any type of rational number you want to put on this number line, you can easily do it. 1.7, it means 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1.7 will be here. Just I will ask you for minus 2.3. So minus 2 point is taraf aane ka hai. 1, 2, and ye raha minus 2.3. 0.1, it means 0 point, ये पहला जो है, इसे हम बताएंगे 0.1. इस तरह से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते हैं. ये अपने हुआ हमारे डेटा रेशनल नंबर का. How to represent rational but what about irrational numbers? Like root 2, root 3, root 5, etc. इसके लिए आपको वो सर्कल में करनी जरूरत पड़ेगी. आपको इस तरह से एक नंबर लाइन बनानी है. टेक्स्टबुक में दे हैव गिवन अस टू मेथड्स. वी विल only go for one method. I will show you only one method, and it is enough for us. We don't need to learn another method. You teach only this method. You learn only this method. You know only this method, and this is enough for us. ये रहा हमारा
0. हम लेंगे रूट
उससे ऊपर एक फिर से वन का एक खंभा बना, वो हम एक काम करते हैं दूसरी नंबर पे। और यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं शो रूट टू ऑन नंबर लाइन। ये हमारा एक्स्ट्रा संभव है, इसके बाद हम दूसरा सम लेंगे शो रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए आपको रूट टू तक तो जाना ही पड़ेगा, ये रही हमारी नंबर लाइन, ये रहा हमारा पॉइंट ओ यानी ओरिजिन यानी जीरो। यहां से यहां तक वन इंच, वहां पे हम वन इंच लेते हैं, फिर यहां से हम एक वर्टिकल वन खड़ा करेंगे। यहां से यहां तक सर्कल मास्टर को मेजर करके इससे एक कोण बनाएंगे इस तरह से। ये रहा हमारा टू, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। हमें रूट टू ने पूछा है वी आर आस्क्ड टू फोर रूट थ्री फोर दैट वन। अगेन एक एक इंच का वर्टिकल आपको खड़ा करना होगा और फिर यहां से ओ से फिर से आप दोबारा मेजर करेंगे इतना, यहां से लेके इतना आपको मेजर करना है। विथ योर सर्कल मास्टर और फिर उसे घुमा के यहां तक लाना ऐसे, और इस तरह से जो होगा तो ये रहा हमारा रूट थ्री। इसे हम बनाएंगे पॉइंट नंबर सी और यहां हम लिखेंगे ए इक्वल टू वन इक्वल टू रूट वन, बी इक्वल टू रूट टू एंड सी इक्वल टू रूट थ्री। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है इफ यू आर आस्क्ड example 3 then you will have to show this figure and this data. If you are being asked for root 2 then you will have to stop yourself here, but if for root 3 you will have to push your step for one more vertical line. Root 4 to आपको देंगे टू रूट थ्री रूट फोर नहीं देंगे क्योंकि रूट फोर माने टू और टू क्या हो गया एक्स्ट्रा नंबर हो गया वो आपको देने वाले हैं। तो फिर आपको क्या करना, क्या पूछेंगे लोग थर्ड क्वेश्चन में भी शो रूट फाइव ऑन नंबर है। इसके लिए आपको रूट थ्री तक तो जाना ही पड़ेगा, ये रहा जीरो, ये रहा आपका वन, यहां से आप एक बार ये वर्टिकल, ये फिर से वन, इतना तो आपको हर बार करना ही होगा। ये हमारा परफेक्ट वर्टिकल होना चाहिए।
फिर से वही प्रोसेस रिपीट किए, यहां से लेके इस तरह ग्रो कर दो। मैं इस तरह से इसलिए करता हूं, डॉटेड लाइन इसलिए करता हूं कि अब कुछ बोर्ड में ज्यादा लाइन लाइन आपके लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि ये लाइन ट्रिपल लाइन करनी है, ये लाइन डॉटेड लाइन करनी है। आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, इसे भी आप सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहे तो सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, मेरी तरह अगर आप डॉटेड करना चाहे तो मुझे भी कर सकते हैं। एक बार ध्यान पर रखना है, गलती नहीं करनी। हर बार जो आपका सर्कल मेकर है उसकी जो पिन है वो हमेशा जीरो पे रखनी है, जीरो से यहाँ पे या यहाँ पे नहीं। और हर बार आपको जो भी नया पॉइंट मिले ये ओ है तो ये हुआ हमारा ए यानी कि ओ टू, ये हुआ हमारा बी यानी कि ओ थ्री, सॉरी वन, ये ए, ये ओ टू बी, यहाँ मिलेगा हमें शायद ओ थ्री सी, फिर हमें मिलेगा सर्कल की जो पिन है वो हमेशा पहुंचा करती है। और आपको मेरी तरह ऐसे करने के लिए आपको हर बार यहां से एक वर्टिकल बनाना है। और ये जरूरी नहीं, और ये फिर दोबारा अगर आप मेजर करते हैं तो लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां से इतना निकालिए, फिर से यहां से एक वर्टिकल बनाइए, फिर ऐसे फिर वर्टिकल बनाइए और फिर ऐसे। मेरी तरह डॉटेड लाइन का ऐसा डिजाइन वर्क या पेंटिंग वर्क आपको जरूरत नहीं होती, एक बात का ख्याल रखें। सो हियर यू विल ड्रॉ ए इक्वल टू वन इक्वल टू B equal to root 2, C equal to root 3, D equal to root 4 माने 2 and E equal to 5. E is our answer here. So this way you can show irrational numbers on number line. अगर आपको पूछा जाता है रूट सेवन, ज्यादा से ज्यादा रूट सेवन तक जाएंगे तो आज आपको नॉन पेन और टेक्स्ट के अलावा ये सर्कल मास्टर पेंसिल और मेजर भी आपको लेनी होगी इस काम के लिए। ये वो हमारा जीरो, ये वो हमारा वन, बिल्कुल जिस तरह हमने रूट टू में दिखाया था ऐसे, ये हमारा वो वन का एक वर्टिकल और ये रूट वन, फिर मिलेगा रूट टू। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी होगी, एक वर्टिकल और फिर वहां से इतना मेजर करके दूसरा ये होगा रूट थ्री, यहां से इतना। हर बार ये जो डिस्टेंस कम होता जाएगा, इसीलिए ये काम थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा, लेकिन आपको अपनी जो पेंसिल है वो थोड़ी सी शार्प रखनी होगी। और जितना भी बड़ा डिजिट दिया है उतनी आपको एक्यूरेसी ज्यादा रखनी होगी, वरना आपके पकड़
पकड़े जाने के चांसेस पूरे हैं। आप ये मत समझना कि आप हाथ से मेरी तरह आप ड्रॉ कर दोगे और कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। ये मैं सिर्फ रफ्तार की तरह आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाकी आपको जो करना है वो परफेक्ट जिस तरह मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, मैंने ड्रो करके दिया है आपको, इस तरह हर बार आपको यहाँ पे पेन और यहाँ पे पेंसिल लेके फिर ऐसे करना है। ये रहा हमारा और ये जो डिस्टेंस है हर बार कम होता जाएगा, इसलिए आपका काम जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड होता जाएगा, लेकिन आपको एक्यूरेसी जितना भी बड़ा डिजिट है ये उतनी आपको एक्यूरेसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये हुआ पैड इसे वन का वर्टिकल हर बार एक नया पॉइंट मिले, ये ए ये बी सी डी ई, इसके बाद हमें मिलेगा एफ, जो भी आपको नया पॉइंट मिले वहां से एक वर्टिकल खड़ा करना है आपको वन इंच का, और इसे कहेंगे ये और भी यहाँ पे किसी तरह से लिख लीजिए ए बी, अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा लिख देंगे तो ये ए बी सी डी एफ जी, ए इक्वल टू वन इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, टू सी इक्वल टू थ्री, डी इक्वल टू फोर माने टू, ई इक्वल टू फाइव, एफ इक्वल टू रूट सिक्स। यहाँ मैंने रूट सिक्स नहीं लिया है, अगर आपको रूट सिक्स पूछा गया है तो आपको रूट सिक्स यहाँ पे आके अटक जाना है। जी इक्वल टू रूट सेवन, इस तरह से आप ये सारे जो नॉन वर्टेक्स का डिजिट है उसका रूट नंबर लाइन पर इस तरह से दिखा सकते हैं। जहाँ तक जो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिया था, थोड़ा सा डीप में गए और उसके बाद में मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, यहाँ पे मैंने टोटल रफ्तार की तरह की है, लेकिन आपको मेरी तरह नहीं करना है, आपको पूरे आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है आपके कंपास बॉक्स में उसका यूज करके पेंसिल से फिगर आप ड्रॉ करेंगे वो पेंसिल से ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ करवाते हैं, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं, और दूसरे मेथड भी है अगर उस मेथड में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल इस तरह से करना है। ये जो है हमारा ये मॉडल है, आपको ये इजी लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।